राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम और बाबू बना रहे थे, ये मच्छर के लिए भी दवाई बना रहे थे, और जैसे डेली हम हवन करते हैं तो उसके लिए भी। इससे क्या होता, ये जैसे मच्छर भी भाग जाएंगे, और ये जो है नीम की पत्तियाँ हैं, नीम की पत्तियाँ भी जला देते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाता है नीम की पत्तियों से। और जो इन पत्तियों का पाउडर बनाएंगे, पाउडर से जब हवन करते हैं, और हम डेली हवन करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा हवन 5 आहुति डाल के, थोड़ा थोड़ा धूप जो है हम बना के रखते हैं, और 5 आहुति डाल के डेली जो है हवन करना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये पत्तियां ले ली हैं, और उनको अच्छे से धो लेंगे, और धोने के बाद में इनको सुखाना है। और इनको हमने धो लिया है अच्छे से, अब धूप में ले आए। धूप तो इतनी अच्छी हो रही है कि दोपहर तक ही पत्तियां सूख रही थी सारी। तो यहाँ पर अच्छे से फैला देंगे और बस पत्तियां सुखा लेंगे। इनका क्या है, इनको पीस के पाउडर बना के रख सकते हैं, इसकी गोली बना सकते हैं, नीम का तेल बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये नीम की पत्तियाँ सारी फैला दी हैं, और अब हम इसको धूप में सुखा लेंगे। थोड़ी देर पड़ी रहने देंगे, 2-3 घंटे में आजकल सूख जाती है। उसके बाद में हमने ले लिया यहाँ पे गोबर, और गाय का गोबर ले लिया अपनी गाय के पास से। और उसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको मिलाएंगे, गोबर को अच्छे से वो करेंगे। और ये सब चीज़ें सभी लोग नहीं जानते, ये गांव के लोग ही जानते हैं। गोबर पाथना, लीपना, पोतना, चारा काटना, ये सब गांव वालों को सभी को आता है, लेकिन शहर में जो लोग पैदा हुए हैं, शहर में रहे हैं हमेशा, तो उनको ये सब काम नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको गोबर के कंडे बनाना है। हम सोच रहे हैं 4-6-10 दिन बना लें। इस टाइम इतनी अच्छी धूप हो रही है, और जैसे 8-10 दिन 15 दिन बना लेंगे तो हमें जैसे कभी चोखा बाटी बनाना हुआ या कुछ भी बनाना हुआ, कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, रिद्धि पूछ रही है कि क्या बना रही हो। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ये धूप डालने के लिए, जैसे धूप डालने के लिए इसमें ये नीम की पत्ती का पाउडर डाल देंगे। तो ये देखिए, ये पाउडर बना के रखा था नीम की पत्तियों का। इससे क्या होगा कि उसमें शाम को एक सुलगा देंगे, जैसे सुबह तो धूप डालते ही हैं भगवान के पास में, लेकिन शाम को इसको एक जो है इसमें दियाली बनाएंगे तो एक सुलगा देंगे। और समझ लो पूरे रूमों में जहाँ पे लेटते हैं हम, बैठते हैं, तो वहाँ पे जैसे रख देंगे तो सारे मच्छर भाग जाएंगे, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। गाँव में क्या होता है, शहर के लोग नहीं जानते, शहरों में लोगों को पता ही नहीं है। गांव में जो ये नीम की पत्तियां होती हैं, जैसे नीम की पत्तियां गिरती हैं, उनको झाड़ू लगा के इकट्ठा करके लोग क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं शाम को। तो मोहल्ले में जितने मच्छर होते हैं, पूरे मोहल्ले के मच्छर भाग जाते हैं। ये नीम का ये कमाल है, तो सभी को तो नहीं पता है। तो इसीलिए हम ये वीडियो बनाने का ये हमारा मकसद था कि आप लोगों को भी पता चले। और गोबर तो हर कहीं मिल जाता है, ऐसे तो गायों की बड़ी दुर्दशा है, घूमती बिचारी रहती हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो ऐसे गोल गोल करके, नहीं तो अगर एक गाय भी अगर एक लोग पाल लें तो गायों की दुर्दशा ना हो, और बहुत ही अच्छे से गायों का भी सब समाधान हो जाए, और हम लोगों के लिए दूध भी हो जाए। हमने देखा है कि घंटों जाती हैं लेडीजें, घंटों बैठी रहती हैं ये दूध लेने के लिए, लेकिन कभी भी ये नहीं किसी ने सोचा कि हाँ एक एक गाय अगर हम पाल लें तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है दूध भी होगा, घी भी होगा, और हमारी गाय की सेवा भी होती रहेगी, गाय को ध्यान भी रख पाएंगे। तो यहाँ पे दियाली हमारी सूख गई थी, एक दिन में सूख जाती हैं, ये पतली पतली सी थी, एक दिन में सूख गई। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये जो पाउडर बना के रखा है था नीम की पत्ती का, और थोड़ा सा इसके ऊपर कपूर रख देंगे, बस थोड़ा ये कपूर जल जाएगा और नीम की पत्ती साइड साइड से सुलगने लगेगी, और जब सुलगने लगेगी तो इसका जो पाउडर है ये सारा वो हो जाएगा। पत्तियां तो नहीं अंदर जला सकते ना, घर के अंदर साफ सुथरा पड़ा होता है, गाँव तो है नहीं कि हाँ कहीं भी पत्तियाँ सुलगा दी जला दी, वहाँ तो छटवा भर भर के पत्तियां सुलगाते हैं। तो ऐसे करके ये कर सकते हैं, इससे सारे मच्छर भाग जाएंगे, पत्तियों का असर हो जाएगा,
इससे, और इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रख दें, जहाँ जिस रूम में जैसे लेटते हैं तो उस रूम में भर के ये रख दें। खूब अच्छे से पाउडर भर दें, ये सुलगने जब लगे तब और ऊपर से भर दें। और बहुत ही अच्छा ये उपाय है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा मच्छर है, जहाँ देखो तहाँ मच्छर हैं। और पहले गाँव में तो दिन में नहीं लगते हैं, लेकिन शहरों में तो दिन में भी काटते हैं, दिन में भी बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो गए हैं, कभी भी नशा अपना उतरने नहीं देते, बराबर कुछ 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 लगे रहते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये उपाय है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सुलगा, और शाम के टाइम में बस, सुबह तो अपना जैसे धूप वूप डालते हैं तो वो तो डालते ही हैं, लेकिन शाम के टाइम में आपको क्या करना है, बस थोड़े सा इसमें कपूर रख देना, कपूर रख देना या कोई भी चीज़ ऐसी जलने वाली रख देना है, जिससे कि ये जो है थोड़ा सा सुलग जाए। फिर सुलगने के बाद में इसको जलाना नहीं है, इसको सुलगाना ही है। जितना सुलगेगी उतना ही अच्छा इसमें से धुआं निकलेगा, जब धुआं निकलेगा तो बहुत ही अच्छा ये जो है अपने हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा ये इसका धुआं होता है। और उसके बाद में जैसे रूम में सुलगा दिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया, 10-15 मिनट के लिए रख दो, और उसके बाद में क्या होगा, आपके घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छरों से हम भी परेशान हो गए हैं, पता है खुजली होती है, मुंह में खुजली होगी, गाल में खुजली होगी, ऐसे करके ये लगता है कि खुजली हो रही है, और बस हाथ लगाओ तो मच्छर ये मर जाता है, लेकिन हम मारना नहीं चाहते, लेकिन वो मर जाता, क्या करें। सोनू तो एक दिन बोल रहा है कि बहुत खुजली हो रही, बहुत खुजली हो रही, तो हमने कहा खुजली नहीं हो रही है, हाथों में पैरों में देखो तो पहले कितना मच्छर चिपका है। तो इसके लिए हमने फिर ये उपाय किया, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, जैसे एक दिन पत्तियां तोड़ लाओ, फिर उनको निकालो, फिर उसके बाद में उनको सुखाओ और पाउडर बनाओ, उसके बाद गोबर की ये बरसिया बनाओ, तो इतना टाइम लग जाता है एक दिन। हाँ एक दिन क्या, जैसे एक दिन में ये काम कर सकते हैं, बस ये है कि सुखाना उखाना रहता है, इसमें टाइम लग जाता है, नहीं तो टाइम तो 10-15 मिनट में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, मच्छरों के लिए बहुत ही अच्छा ये उपाय है, और मच्छर, एक भी मच्छर आपके यहाँ फटकेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने ये बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। नीम की पत्तियाँ नहीं ला सकते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियाँ गांव में ही वो कर सकते हैं, और अब ये सुलगने लगा है। अब इसको क्या करेंगे कि इसको बंद कर देंगे, और ये धुआं निकल रहा है, इतना कड़वा कड़वा सा निकल रहा है, क्योंकि एक भी मच्छर नहीं बचेगा, सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो इस तरीके से सुलगा के, और जैसे आपके पास 2-3 रूम है, सभी में सब लेटते हैं, हमारे यहाँ तो कभी कभी इकट्ठे ही हो जाते हैं, कभी कभी अलग अलग लेटते हैं, हम लोग क्या करते हैं ज़मीन में बिछा लेते हैं। तो अगर आप लोग अलग अलग लेटते हैं तो शाम को क्या करना, जैसे अगरबत्ती लगाते हैं या, और इस तरीके से सारे घर में घुमा दें, और जैसे रूम में रख दें, जैसे 2 रूम है 3 रूम है, तो उतनी ही बरसिया सुलगा के और रख दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।